डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू यू केडी क्लासेस। हमने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में लक्ष्य वेध परीक्षा से 7 श्लोक पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको 8वां श्लोक पढ़ाने चल रहे हैं। कृपया ध्यान दें। पश्यैनं त्वं द्रुमाग्रस्थं भाषं नरवरात्मज पश्यामि त्वमाचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिर। पश्यैनं त्वं द्रुमाग्रस्थं, भासं नरवर आत्मज, हे नरवर आत्मज युधिष्ठिर, मनुष्यों में श्रेष्ठ नरवर नरेश वर, मनुष्यों में श्रेष्ठ आत्मज पुत्र युधिष्ठिर, त्वं तुम एनम द्रुमाग्रस्थम भाषम पश्य, इस वृक्ष के अग्रभाग पर अस्थम स्थितम स्थित एनम भाषम पश्य, इस गीध पक्षी को देखो। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर से कहा, नरवर आत्मज, नरवर मनुष्यों में श्रेष्ठ, हे पुत्र युधिष्ठिर, इस गीध पक्षी को जो वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित है उसे तुम देखो। युधिष्ठिर प्रत्युवाच, युधिष्ठिर ने प्रत्युत्तर दिया, हे आचार्य, पश्याम देख रहा, देखता प्रतिधन उवाच बराबर है अड़सौर सरणी प्रत्युवाच, पश्याम धनी बराबर पश्यामीति दीर्घ स्वर संधि, इति धन एवं बराबर इत्येवम्, नरवर आत्मज मनुष्यों में श्रेष्ठ, हे पुत्र युधिष्ठिर, पश्यैनम पश्य धनैनम बराबर पश्यैनम वृद्धि स्वर संधि,
इस द्रुमाग्रस्थम वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित भाषम गीद पक्षी को त्वम पश्य, तुम देखो। पश्यति पश्यताम पश्यंतु पश्य पश्यतम पश्यत पश्यानि पश्याव पश्याम पश्य। दृश्यधात लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो पुनः देखें, नरवर आत्मज, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, तुम वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित इस गीध पक्षी को देखो। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने आचार्य से कहा, या कह लीजिए कि आचार्य को प्रत्युत्तर दिया कि हे आचार्य, मैं देख रहा हूं। स मुहूर्तादि पुनर्द्रोणस्तम प्रत्यभासत अथ वृक्षमिमं माम वा भ्रातृन वा प्रपश्यसि। स मुहूर्तादिव पुनर्द्रोणस्तम प्रत्यभासत। सह द्रोण, उन द्रोण ने मुहूर्तादि क्षण भर में ही पुनः प्रतिभासत, फिर युधिष्ठिर से कहा, अथ कि इमं वृक्षम वृक्षम इमं इमं वृक्षम, इस वृक्ष को, भ्रातृन भाइयों को, वा माम प्रपश्यति, या मुझे देखते हो। भ्रातृन, भ्रातृ शब्द है, द्वितीय बहुवचन है। पश्यसि प्रपश्यसि प्र उपसर्ग है, दृश्य धातु है, लटलकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है। सह द्रोण, उन द्रोण ने, उन आचार्य द्रोण ने पुनः क्षण भर में पुनः युधिष्ठिर से कहा कि इस वृक्ष को, भाइयों को, अथवा मुझे तुम देख रहे हो। तम उवाच स कौन्तेय पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातृन् भासं चेति पुनः पुनः।
स कौन्तेय स कौन्तेय उन कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने तमुवाच स कौन्तेय पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातृभासं चेति पुनः पुनः। स कौन्तेय उन कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने तमुवाच आचार्य द्रोण से कहा, एनं वनस्पतिं पश्याम, इस वनस्पति के अगल बगल चारों तरफ की वनस्पतियों को देख रहा हूं। भवंतम च आपको देख रहा हूं, तथा भ्रातृन भाइयों को देख रहा हूं, पुनः पुनः च इति भासं पश्यामि और बार बार इस गिद्ध पक्षी को देख रहा हूं। तमु वाचाप सर्पेति द्रोणो प्रीत मनायु नैत छक्यम त्वया वेद्युम लक्ष्यम इत्येव कुत्सयम्। तमु वाचाप सर्पेति द्रोणो अप्रीत मनायु द्रोण आचार्य द्रोण ने अप्रीत मनाई खिन्न होते हुए की भांति अप्रसन्न होते हुए की भांति तम वाचा उन्हें युधिष्ठिर से कहा, आप सर्प दूर हट जाओ, नहीं तो छक्यम त्वया वेद्युम लक्ष्यम इत्येव कुसयन और कुसयन डांटते हुए कहा, त्वया एतत् लक्ष्यम न वेद्धुम शक्यम, तुम्हारे द्वारा इस लक्ष्य का वेधन नहीं किया जा सकता है, तुम इस लक्ष्य को नहीं वेध सकते हो। त्वया युष्मत् तृतीया विभक्ति एक वचन ततो दुर्योधनादिस्तान ततो दुर्योधनादीनस्तान धार्तराष्ट्रान महायथा तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत्। ततो दुर्योधनादीनस्तान धार्तराष्ट्रान महायसा तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत् ततः
तत्पश्चात तान उन धार्तराष्ट्रां महायशाः धार्तराष्ट्रां ततो तत्पश्चात महायशा महान यशस्वी दुर्योधन आदि उन धार्तराष्ट्रान कौरव पुत्रों से तेनैव क्रमयोगेन उसी क्रम से जैसे युधिष्ठिर से पूछा था उसी क्रम से जिज्ञासु प्रहार क्षमता के ज्ञान की प्रबल इच्छा वाले आचार्य द्रोण ने जैसे युधिष्ठिर से पूछा था उसी क्रम से उन धृतराष्ट्र पुत्रों से पूछा। अन्यांश शिष्यान भीमादी राज्ञश्चैव अन्य देश जान तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिता। अन्यांश शिष्यान भीमादी राज्ञश्चैव अन्य देश जान भीमादीन भीम आदि और अन्य देश जान राज्ञ और दूसरे देश के राजकुमारों से अन्यांश शिष्यान भीमादीन राज्ञश्चैव अन्य देश जान शिष्यान शिष्यों द्वितीय विभक्त बहुवचन भीमादीन भीम आदि और दूसरे देश के राजकुमार शिष्यों से आचार्य द्रोण ने पूछा तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामः और सभी लोगों ने कहा कि हम सब कुछ देख रहे हैं। वे सभी आचार्य द्रोण के द्वारा डांटे फटकारे गए। ततो धनंजयम द्रोणम अस्मय मानो अभ्यभाषत ततो तत्पश्चात विस्मय माने होता है जहाँ अहंकार का अभाव हो जाए। अस्मय विस्मय जहाँ गर्व होता है यहाँ गर्व ही कहा जाएगा। जहाँ अहंकार का समूल नाश हो जाता है वहाँ विस्मय की स्थिति होती है। तो यहाँ अस्मय का मतलब होता होगा हाँ जो है गर्व। ततो तत्पश्चात अस्मय मानो आचार्य द्रोण धनंजयम अभासत गर्व करते हुए अर्जुन से बोले। तत्पश्चात आचार्य द्रोण द्रोणम
द्रोण होना चाहिए, यहाँ द्रोणम नहीं होना चाहिए, यहाँ द्रोणम दिया है। आचार्य द्रोण असमय मान गर्व करते हुए अर्जुन से बोले, त्वयिदानीं एतत् लक्ष्यम लक्ष्यम प्रहर्तव्यम, हे अर्जुन विलोक्यताम, अब इस लक्ष्य पर प्रहार करने की तुम्हारी बारी है, इस लक्ष्य को तुम देखो। चलिए हम अब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।